Assalamualaikum viewers, my name is Khadija Abbasi and I am speech language pathologist. I am working in Autism Care Center and Impact since 2017. आज हम आपको बताएंगे कि हम सरप्राइज का कॉन्सेप्ट बच्चों को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं. बहुत से पेरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आती है कि हमें बच्चों को फीलिंग्स और इमोशंस करवाने नहीं आ रहे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को अंडरस्टैंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताएं. बेसिकली ये एक अनएक्सपेक्टेड एक चीज़ है जो कि हमारे साथ होती है और हम सरप्राइज हो जाते हैं. जैसे कि कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं, वो हमारे लिए कुछ सरप्राइजेज होते हैं. लाइक अगर मैंने किसी बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन सिखानी है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ सरप्राइज का एलिमेंट अपनी एक्टिविटी के अंदर डाल दूँ ताकि बच्चे उसको एंजॉय करें और एंजॉय करते हुए सीखें. क्योंकि जब हम बच्चों को बोर करते हैं या उनको सिंपल एक मोनोटोन पैटर्न में कोई काम करवाते रहते हैं तो बच्चे उतने अच्छा तो बच्चे उस तरह से अच्छा लर्न नहीं करते. सो आज मैं आपको बताऊँगी कि सरप्राइज के लिए मेरे पास कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं. सरप्राइजेज हमारे पास बैड भी हो सकते हैं, सरप्राइजेज हमारे पास गुड भी हो सकते हैं. और सरप्राइजेज के लिए कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी हम यूज़ कर रहे होते हैं. समहाउ हम करते हैं वाओ इट्स अमेजिंग, और समटाइम हम करते हैं ओह नो व्हाट डज इट मीन. ठीक है, और हमारे साथ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट शी इज इकरा. सो आज हम इकरा को जो है वो अपनी इस वीडियो के अंदर आपको अपनी वीडियो में इनवाइट किया है ताकि वो हमें कुछ सरप्राइज के जो एक्सप्रेशंस हैं वो भी बता सकें. क्योंकि अमूमन बच्चे इस कॉन्सेप्ट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उन्हें सरप्राइज समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए आज हम इकरा के साथ जो है वो एक्टिविटी करेंगे. सो हम इकरा की बर्थडे जो है वो पार्टी प्लान करेंगे, देखेंगे कि इकरा किस तरह सरप्राइज होती है. Happy birthday, Ikra! Surprise! Yes, it's a big surprise for you! Thank you! Happy birthday! Surprise! Wow! Thank you! Thank you! So, kaisa raha aapka surprise? Nice! Thank you! मैं नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो बताऊंगी कि मेरे पास एक मॉन्स्टर है. ठीक है, जब अमूमन बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं जब एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है. अमूमन हम देखते हैं बच्चे किसी मॉन्स्टर को देखते हैं, किसी मैजिशियन को देखते हैं, वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं. तो ये इमोशंस हम किस तरह से सिखा सकते हैं, ये सिखाने के लिए मैंने एक मॉन्स्टर यहाँ पे बनाया है. और मैं इकरा को मॉन्स्टर दिखाऊंगी और इकरा अपने एक्सप्रेशंस के साथ हमें बताएंगे कि सरप्राइज किस तरह से होता है, कैसे उसको फील करते हैं. Ikra, look! Surprise! It's a monster! Yes! So, Ikra, find out another surprise inside the monster. Inside the monster? Yes, put your hand inside the monster. Wow! It's a star! Yes, it's a big surprise for you. Yes. So, check. Wow! अमूमन हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों से कोई चीज़ टूट जाती है या कोई अनएक्सपेक्टेड सा इवेंट हो जाता है तो तब भी हम सरप्राइज का एलिमेंट ऐड करते हैं. और सरप्राइज का एलिमेंट जिस तरह बैड इवेंट हो जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो इसी तरह से मैंने एक और एक्टिविटी यहाँ पे प्लान किया जिसमें इकरा जो है वो किसी टॉय के साथ प्ले करेंगी और सडनली जो टॉय है वो टूट जाएगा. और उसके बाद जो है वो मैं एक एक्सप्रेशन दूंगी कि ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड. Oh no! It's okay, Kra. It's okay. So this is also a surprised expression. ये surprise के लिए हम ये expression भी use करते हैं. Oh no! Because surprise जो है वो एक जो है वो क्योंकि सरप्राइज जो है राइज एंड फॉल जो है वो पैटर्न के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है. इसी तरह से अमूमन हम बच्चों को स्टोरी बुक्स करवा रहे होते हैं और स्टोरी बुक से बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि ये सरप्राइज का एलिमेंट किस तरह से यहाँ पर ऐड हुआ है. अमूमन हम देखते हैं कुछ मैजिक हो रहा होता है इकरा और उसके अंदर जो है वो अमूमन नहीं समझ आ रहा था बच्चों को कि मैजिक किया वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो क्या है. वो फील जरूर करते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है, कुछ डिफरेंट सा हुआ है. क्योंकि हमेशा जब भी हम किसी चीज़ में सरप्राइज एलिमेंट ऐड करते हैं ना तो वो इन्फॉर्मेशन लेना, उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है. उस इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करना और उसको रिकॉल करना ज़्यादा आसान है. सो इसीलिए हम सरप्राइज एलिमेंट अपनी थेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं. तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ
तो अब मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टोरी बुक्स हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, जिसमें कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिनमें जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट और एक्सप्रेशन जो है वो ऐड है, सो ताकि जो है वो हम बच्चों को इस तरह से आप स्टोरी पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे को एक मैजिक की मिली और वो सरप्राइज हो गया। आप उसकी एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वाओ दैट्स अमेजिंग। सो इसी तरह से मेरे पास एक और स्टोरी बुक है जिसमें एक मैजिशियन है जो मैजिक करके बच्चों को दिखा रहा है और उसमें उसने कुछ जो है वो पिक्चर्स ऐड किए हैं। लाइक यू कैन चेक कि ये एक बॉक्स है, उसके ऊपर एक शीट है और उसके अंदर से एक और बॉक्स निकलेगा, एक बिग बॉक्स निकला है एंड आफ्टर दैट जो है वो एक स्मॉल बॉक्स निकला और स्मॉल बॉक्स के अंदर ही सरप्राइज है। सो मैजिशियन ने उसे 1, 2, 3 का ओपन किया और उसमें से कीपर निकला है। सो दे बोथ आर सरप्राइज। सब हमने आपको कुछ स्टोरी पिक्चर्स की एग्जाम्पल दी हैं जिनके अंदर अमूमन जो है वो इस तरह की पिक्चर्स आती है और पेरेंट्स को इसको इलैबोरेट करना नहीं आता। ये बहुत सिंपल सी पिक्चर्स हैं। मैं एक दफा आपको डेमो करके भी दिखा देती हूँ इकरा के साथ कि हम इस सरप्राइज एलिमेंट को अगर करवाएंगे तो हम किस तरह से करवाएंगे इन WH क्वेश्चंस। Why is surprise? Yes, why surprise? Because he got a new magic key. Yes. Because he got a new magic key. He is surprised to see the new magic key. Yes. Okay? Yes. Now can you tell me why the boy is surprised? Because he finds a new magic key. Very yes. nice. Good job. So, इसी तरह से मैं एक और स्टोरी बुक जिसमें मैंने आपको दिखाया है मैजिक। So, इकरा, do you know what surprise inside the box? No, I don't know. Okay, let me show you. Magician will say 1, 2, 3, wow. open. Wow. It's amazing. The boy yes. inside the box. Wow. It's a big surprise. Yes. Magician put some spell there and the boy just came out. Yes. Okay. So, इसी तरह से पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को घर में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के थ्रू जो है वो सरप्राइज का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। अमूमन आप देखते हैं कि जैसे कि बाबा आते हैं, बाबा काफी दिनों के बाद आते हैं अपने घर में और बच्चों को कहते हैं कि मामा कहते हैं कि आज आपको एक बिग सरप्राइज मिलने वाला है। तो जैसे ही बेल होती है तो बाहर कोई गेस्ट होते हैं या फादर होते हैं तो वो बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं। इसी तरह से आप कोई जो है वो बैलून जो है वो ग्लो कर सकती हैं और डिफरेंट एक्सप्रेशन दे सकती हैं बच्चों को। और इसके अलावा सैंड ले सकते हैं आप, सैंड के अंदर डिफरेंट आप ऑब्जेक्ट्स को हाइड कर सकते हैं और आप जो है वो एक मैजिक कर सकते हैं। क्योंकि नाउ लेट्स सी कि व्हाट्स इनसाइड द सैंड और एक मैजिक हुआ और उसके बाद जो है वाओ करके म्यूजिकल टॉयज ऐड कर सकते हैं। बच्चों कह सकते हैं लोग कि टॉय के अंदर से साउंड आ रही है, टॉय के अंदर से जो है वो आवाज़, टॉय के अंदर से साउंड आ रही है और बच्चा जब सरप्राइज हो जाए, टॉय के अंदर से लाइट आ रही है, बच्चा सरप्राइज हो जाता है। सो इस तरह के छोटे छोटे सरप्राइजेस। एग्जैक्टली, तो सरप्राइज के कॉन्सेप्ट के अंदर हमने पहले भी बात की कि राइज एंड फॉल पैटर्न हमें नजर आता है इंटोनेशन का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो सरप्राइज का कॉन्सेप्ट सिखाते हुए बड़ी डिफरेंट सी एनर्जेटिक की हो और ये बड़ी डिफरेंट सी वॉइस क्वालिटी हो आपकी जिसमें एक प्रॉपर इंटोनेशन हो, जिसमें राइज एंड फॉल का जो थीम है वो जा रहा हो। ठीक है, सो होपफुली आप सबने जो है वो आज इस वीडियो से बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, आपने कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू सो मच इकरा कि आपने जो है वो अपना टाइम निकाला और आपने जो है वो हमें हेल्प की इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में। क्योंकि थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इंशाल्लाह वी विल शेयर मोर वीडियोज ऑन आवर पेज। थैंक यू।